अभी जो है मैं कह रहा था ना फीलिंग है, तो बच्चे हंस रहे थे कि फीलिंग तो दिल की होती है। राम राम दोस्तों, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज चौहान ब्लॉग में। और दोस्तों देखो, यहाँ चल रही है तैयारी कि आने वाली है होली, और एकता जो है रेसिपी बनाने वाली है, एकता बताएगी। राम राम जी। तो एक तैयारी कर रही है, और मैंने मंगाया इन्हों से सामान, लिख के दिया था मैंने, लिस्ट बना के भर के जाके सामान ला दो मेरे को, ये सारा सामान ले आए हैं। तुझे सारा सामान आ चुका है, मैं ले आया सारा सामान जो भी एकता ने लिख के दिया था। तुझे होली स्पेशल, आप सभी जानते हो होली पे जो है अधिकतर घरों में जो है भुजिया बनती है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि बाहर का जो है खाना पसंद नहीं करते, घर पे बनाते हैं अपना। नहीं, बाजार की अच्छी भी नहीं होती। हाँ, बाजार की अच्छी भी नहीं होती, और अपने घर में ही बनाना चाहिए। कुछ भी मीठा बनाओ, उसमें अलग ही स्वाद आता है, और किसी चीज की मिलावट भी नहीं होती, है ना एकता? हाँ, घर की अच्छी होती है। तो जी, चल रही है तैयारी गुजिया की होली स्पेशल, क्योंकि होली आने वाली है। अब देखते क्या क्या सामान है, पूरा ना सामान? हाँ, रिफाइंड है। तुझे दिखाते हैं आपको सामान क्या क्या लाया हूँ मैं, और क्या क्या डलेगा गुजिया में। तो दोस्तों ये देखिए, अब दिखाते हैं आपको सारा सामान जो जो गुजिया में डलेगा, और कुछ सामान जो है एकता ने एक्स्ट्रा वैसे मंगाया घर के लिए। हाँ, घर का भी खत्म हो रहा है। घर का तो क्या, बस ये चीनी चाय पत्ती है। हाँ, चाय ज़्यादा पीते हैं तो चीनी चाय। तो जी दिखाता हूँ आपको मैं, ये पत्ती तो मंगाई है चाय के लिए एकता ने, और ये चीनी भी जो है नहीं डलेगी, ठीक है। और ये मंगाया था आटा एकता ने, यह आटा भी नहीं डलेगा। और जो डलेगी वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये मैदा। हाँ जी, ये मैदा है, ये देखिए, एक पैकेट, दो पैकेट, आधा किलो के, तीन पैकेट, और ये चार पैकेट, दो किलो। हाँ, दो किलो मंगाया था एकता ने। हाँ, और ये चार पैकेट है आधा आधा किलो के, तो यानी कि हो गए दो किलो। और दो रिफाइंड, ये दो रिफाइंड मंगाए थे एकता ने, ये रखे हैं जी दो रिफाइंड। और ये पूरा मतलब एक किलो का, ये आधा किलो अलग से दिया उन्होंने? नहीं, डेढ़ किलो, डेढ़ किलो है ना? हाँ, डेढ़ किलो मंगाया था ना? हाँ, हाँ, तो वो एक किलो, हाँ, पैकेट नहीं होगा ना? अच्छा, डेढ़ किलो ये बूरा। हाँ, तो जी ये डेढ़ किलो बूरा है। हाँ, ये भी डलेगा गुजिया में, ये डेढ़ किलो। दो सूखे गोले हैं। और जी ये गोले रहे, सूखे गोले, ये भी डलेंगे गुजिया में। हाँ, तीन है। और ये किशमिश। और जी ये रही किशमिश, ये भी डलेगी गुजिया में। ये छुआरे भी हैं, ये देखिए छुआरे भी डलेंगे। और ये काजू, बादाम, ये काजू है, ये देखो दोस्तों, काजू का टुकड़ा लेके आए हम, है ना एकता? हाँ, क्योंकि टुकड़े करने पड़ते हैं। हाँ, साबुत तो डलते नहीं काजू, काजू को तोड़ना ही पड़ता है, इसलिए हम टुकड़ा ही लिया है काजू का। और ये देखिए ये बादाम, ये भी डलेंगे, ड्राई फ्रूट है ये। और स्पेशल खोया। हाँ, जो मेन चीज़ है वो है मेवा, मेवा में, है ना? हाँ, ये खोया, ये गुजिया, ये गुजिया की देखो, इससे बनेगी गुजिया, ये देखिए। और छोटा लाया हम, क्योंकि गुजिया जो है छोटी अच्छी लगती है ना। अच्छा, बड़ा भी रखा हुआ है, है, मगर फिर बड़े ज्यादा अच्छे से नहीं लगते, छोटी अच्छी लगती है। हाँ, सही बात है, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना, तो बड़ी खाई नहीं जाती बच्चों से, वो फिर बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए जो है भैया ये छोटी बनाओ, और जितना जी चाहे उतना खाओ, क्यों जी एकता जी? तो जी ये रही जी गुजिया का भी, ये सारा सामान हो गया है। और ये जी खोया भी है, ये खोया भी रख देंगे यहाँ, ठीक है जी। सारा सामान ये देखिए हो चुका है पूरा, एकता पूरा आ गया ना सारा सामान? हाँ, सारा सामान है। तो करें फिर गुजिया की तैयारी करें। हाँ, गुजिया की तैयारी करते हैं। तो चलो जी, दिखा दिया आपको सारा सामान गुजिया का भी है, घर का भी। अब करते हैं हम गुजिया की तैयारी दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्टिंग हो चुकी है गुजिया बनने की। आप जो है सारा सामान जो है रेडी कर रहे हैं, हम रेडी कर ही दिया है सारा सामान, दिखाता हूँ आपको मैं, फिर बनाएंगे गुजिया, आपको सारा कुछ दिखाएंगे कि गुजिया हम कैसे बनाएंगे, है ना एकता? हाँ। और एकता भी रेडी है, एकता जो है अभी सूजी भून रही है। हाँ, ना थोड़ी सी सूजी डालेंगे ना। हाँ, तो सूजी भून रही है, दिखाता हूँ आपको मैं, सारा सामान हमने कर दिया है रेडी, तो दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो दोस्तों ये आ गए हम किचन में, और दिखाता हूँ आपको मैं, ये जी सूजी भुन रही है, सूजी है ना एकता? हाँ, सूजी भुन गई, घी में जो है सूजी भुन रही है। और ये, और आपको सारा मैंने कद्दूकस कर लिया। हाँ, ये देखे जी मावा जो है कद्दूकस कर चुके हम, कद्दूकस हो चुका है मावा। और ये देखिए ये बादाम भी हम कूट चुके हैं, ये बादाम हमने कूटे हैं, मशीन में नहीं करे हमने। और ये देखिए जी ये काजू है,
ये काजू भी हमने कूटे हैं और अभी इलायची हल्के हल्के अभी इलायची करेंगे। और ये देखिए अभी इलायची जो है कूटनी है अभी, इलायची के दाने हमने निकाल लिए इसमें और इलायची अभी कूटेंगे तो इलायची पाउडर बन जाएगा इसका। और ये रखे हैं नारियल, सूखा नारियल, रखा है सूखा नारियल यानी गोला भी कह सकते हैं, गोला रखा है ये भी मिक्स। हाँ ये सारे जो है ड्राई फ्रूट मिक्स होंगे है ना इसका। हाँ ये देखिए तो सूजी भुनने के बाद जो है सारा मिक्स करेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों हम हल्का सा जो है बादाम जो है भून रहे हैं, बादाम हल्के से ही भूनेंगे ज्यादा नहीं, और घी में नहीं है ये सिर्फ वैसे ही ग्राइंड कर रहे हैं, सिर्फ सूजी को हमने घी में भुना है। ये देखिए सिर्फ सूजी को भुना हमने घी डाल के, इसको हम ऐसे ही भून रहे हैं हल्का सा। ये जी बादाम भून के भून चुके हैं बादाम, और ये डाल दिया हमने सूजी में। आप भुनेंगे जी काजू, ये देखिए काजू भी हम जो है हल्का ही भुनेंगे, किशमिश नहीं भुनेंगे हम, किशमिश ऐसे ही डालेंगे। एक किशमिश का रखा है पैकेट, किशमिश को भुनेंगे नहीं, किशमिश को डालेंगे हम ऐसे ही बिना भुने। ये दोस्तों देखिए काजू भी हल्के हमने हल्के भून लिए हैं काजू भी, अब ये भी डाले जाएंगे इसी में सूजी में डाले जाएंगे। ये सारा जो है ड्राई फ्रूट जो है एक साथ मिक्स हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए सारा मिक्स हो चुका है, अब बचा है गोला, और गोला होगा मिक्सी में, इसको मिक्सी में करेंगे बारीक बारीक। और ये इलायची पाउडर है, ये आप कूट दीजिए। और ये इलायची पाउडर है, एकता कह रही है कूट दो इलायची पाउडर, तो दोस्तों मिक्सी में ये कर लेते हैं। हाँ इलायची पाउडर जो है इतने में करता हूँ। ये दोस्तों देखिए ये हरी इलायची है, हरी इलायची के दाने हैं, तो इसको कूटेंगे तो बन जाएगा पाउडर। और ये आ गया भाई चिराग। चिराग क्या बन रहा है आज? आज दाल बन रही है। दाल बन रही है? गुजिया बन रही है? गुजिया, गुजिया खाते हो आप? नहीं मैं वो आपको पसंद नहीं है गुजिया? हाँ, तो पकोड़े खाते हूँ। हैं? पकोड़े। पकोड़े खाते हो? हाँ कह रहा है अपनी मम्मी से कि मैं पकोड़े खाता हूँ, पकोड़े खाऊंगा। देखो भाई इलायची जो है, इलायची के जो दाने थे बीज थे ये देखिए कूट चुके हैं वो, अभी बन गया है पाउडर इसका, ये डलेगा जो है गुजिया में। दोस्तों ये देखिए सारा ये जो ड्राई फ्रूट था इसमें डाल चुके हैं हम, ये देखिए सूजी के अंदर मिला चुके हैं ड्राई फ्रूट, थोड़ी सूजी हम भून ली थी जैसा कि हमने आपको दिखाया। और अब जो है हाँ सारे मेवा इसमें, नारियल सूखा नारियल भी हमने मिक्सी में कर लिया, बादाम काजू और अब ये किशमिश और ये मेवे में डालेंगे हम। तो ये फीलिंग है, इसको फीलिंग ही बोलते हैं। अभी जो है मैं कह रहा था ना फीलिंग है, तो बच्चे हंस रहे थे कि फीलिंग तो दिल की होती है। फीलिंग ही बोलते हैं इसको, जो मोमोज के उस मोमोज के सॉरी वो जो उसके गुजिया के अंदर डलती है उसको फीलिंग ही बोलते हैं। मजाक चल रही थी हमारे बीच में है ना एकदम। ये देखो डिब्बी वाली सारी साफ रहती है, सारी डाल देंगे आप। और देखो दोस्तों दिखाता हूँ आपको, देखो देखो कितनी लंबी किशमिश है, कितनी बढ़िया किशमिश, देखिए ये देखिए बहुत बढ़िया किशमिश है। और ये डलेगी इसमें, अब ये फीलिंग फीलिंग बन रही है इसकी, जो गुजिया के अंदर जो है भरी जाएगी। इलायची पाउडर, ये इलायची पाउडर है, ये देखिए इसको भी कूट दिया हमने बारीक कर दिया बिल्कुल। इलायची पाउडर से जो है ना खुशबू अच्छी आती है, खुशबू आती है बहुत बढ़िया। बोरा तो सही है ना, मैं तो गठा गठा तो भी नहीं है, सही है बढ़िया है ना। किसमें भी थोड़ा उड़ा देखता ये जी डल रहा है इसमें बूरा, ये देखिए चीनी होती है। चीनी होती है हाँ। बूरा है बूरा, हाँ चीनी, ये भी मीठा होता है, बहुत मीठी होती है ना। अब चीनी मीठी होती है। किशमिश पसंद है इसको? किशमिश को ज्यादा पसंद है इसको, किशमिश खाता है ना ये।
सबको पसंद लगती है किशमिश, मेरे को भी पसंद है। तो दोस्तों ये देखिए, ये चीनी है, चीनी चीनी है, चीनी पहले तो ये हाँ अभी डालेंगे, डालेंगे सब चीज डालेगी ना, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना। दोस्तों ये देखिए, ये मैदा की हो रही है गुंदाई, ये मैदा डाल दिया हमने, थोड़ा घी डाल दिया इसमें, मैदे के साथ साथ जो है हमने घी भी डाला है इसमें। पहले घी मिक्स करेंगे ना, हाँ फिर बाद में पानी से गुंदाई करेंगे। पकोड़े चिराग कह रहा पकोड़े, पकोड़े नहीं, आपको पकोड़े भी याद आ रहे इतने, आज काफी दिन हो गए ना पकोड़े, हाँ इसके पकोड़े खाने भाई, इसके लिए बनाने पड़ेंगे है ना। चलो होली पे बनाएंगे पकोड़े, है ना चिराग, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा मैदा जो है गुन चुका है, और देखिए मैदे पे जो है पतली पतली रोटियां बनाई जा रही है, फिर उसके अंदर जो है फिलिंग भरेंगे, ये देखिए। और ये मैदे मैदे का घोल भी है जो कि इससे बंद हो जाएगा ये, और पहले मुझे देखो हमने बना के रेडी करी हुई है, देखिए पहले बना के देखी थी कैसी बनेगी, कैसी नहीं, कितनी अच्छी बनी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी पहली गुजिया। ये किनारियों पे लगाएंगे ना तो फिर फटेगी नहीं ना। हाँ ये देखो एकता जो है बना बना के दे रही है, और मैं जो है इसके अंदर ये फिलिंग भरूंगा, ये देखिए ये भरी जाएगी इसके अंदर फिलिंग, और अच्छी तरीके से फिलिंग भरेंगे इसकी जो खाने में जो है मजा आए। ये देखिए ये करा मुझे, ये हल्का सा लगाया और ये कर दिया बंद, ये देखिए अब ये हटेगी नहीं, यहाँ से इसको यूं हटा दिया, जो एक्स्ट्रा जो हमारा मैदा है इसको हम हटा देंगे यूं, ये देखिए ठीक है, इसको रख देंगे यहाँ, और ये रेडी हो गई है हमारी ये गुजिया, ये देखिए ये देखिए कितनी प्यारी गुजिया है, और सही तरह भर रहे हैं हम, जो फीलिंग जो है अच्छी तरह भरी जा रही है, जो टेस्ट आए खाने में, ये देखिए। तले गए एक ही बार बनने में टाइम लगता है, तलने में नहीं लगता, तलने में हो जाता है। देखिए एक करा ये लगाया मैदा, मैदे का घोल, और इसको कर दिया बंद, ये देखिए वो भी बना रहा आपने गुजिया, आपको भी आती है बनाने, आती है बनानी चिराग, हाँ। वो भी बना रहा है तो बनाओ फिर आप भी ये देखो जी गुजिया होगी तैयार, इसको रख देंगे यहाँ, और हम इसको जो है इकट्ठा करेंगे, और जितनी ये सूखेगी ना रखी रखी उतनी जो है इसको तलेंगे ना तो करारी हो जाएगी, उतनी हवा लगेगी ना सूखेगी, है ना एकता। ये दोस्तों देखिए तलना स्टार्ट कर चुके हैं हम, और इसकी फीलिंग जो है हमने भर दी है सारी, और ये रखिए गुजिया, और अब ये सारी जो जितनी भी रखी है सारी तली जाएंगी, और तलना कर दिया हमने स्टार्ट, ये देखिए ये हो गई तैयार, एकता ये हो गई तैयार, देखिए हाँ जी ये तैयार हो चुकी है, देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ, देखिए ये देखिए एक उठा के दिखाता हूँ आपको मैं गरम ये देखिए हाँ अभी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उठाई भी नहीं जा रही है, देखो कितना प्यारा कलर आया हुआ है, ये देखिए, और घी पूरा गर्म हो चुका है, हल्के हल्के आंच पे करेंगे ना, गैस हमने बिल्कुल मंदा कर दिया है तो कम आंच पे पकाएंगे इसको, जो अच्छी तरीके से पक जाए ये, हाँ। ये देखो दोस्तों फूल रही है गुजिया, और इसको इसको हम जो है हल्का ब्राउन करेंगे,
हाँ इसमें आ गया है कलर, ये देखिए ज्यादा फ्राई करेंगे तो फिर काली हो जाएगी, ज्यादा फ्राई करेंगे तो हो जाएगी काली। इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हुई है, देखिए ठंडी होने के बाद और अच्छी लगेगी कितनी बढ़िया, और ठंडी होने के बाद ये हो जाएगी बिल्कुल करारी बढ़िया। तो दोस्तों ये देखिए हमारी गुजिया हो चुकी है बिल्कुल तैयार।